आजीवन सहयोग निधि को लेकर भाजपा जिला उज्जैन ग्रामीण की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कृष्ण मुरारी मोघे शामिल हुए। भाजपा ग्रामीण जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मोघे ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची पुनः निरीक्षण का कार्य 8 फरवरी से 15 फरवरी तक चलने वाला है। इसके लिए प्रत्येक वार्ड की टीम बनाकर मतदाता सूची का पुनः निरीक्षण करें। बैठक में ग्रामीण जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला ने कहा कि 11 फरवरी को समर्पण दिवस पर सहयोग निधि एकत्र करने का महाअभियान चलाया जाएगा, जिसकी तैयारी 5 फरवरी से शुरू कर दें। उन्होंने कहा कि जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वह मुश्किल नहीं है, बस लोगों तक पहुंचना जरूरी है। बोरमुंडला ने कहा कि सहयोग निधि के काम में सांसद, विधायक एवं सभी जनप्रतिनिधियों का सहयोग लें। प्रत्येक मंडल में 5 फरवरी को बैठक आयोजित की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक मंडल के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। बैठक में आजीवन सहयोग निधि के जिला प्रभारी पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने कहा कि हमारे जिले में 1331 बूथ समितियां हैं, उनके सदस्यों से संपर्क करें। मंडल कार्य समिति सदस्यों, साधारण सदस्यों तथा सक्रिय सदस्यों से संपर्क करें। शेखावत ने कहा कि मंडल अध्यक्ष, आजीवन सहयोग निधि के मंडल प्रभारी यह ध्यान रखें कि 11 फरवरी को बूथ स्तर तक समर्पण दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं एवं 11 फरवरी को आजीवन सहयोग निधि संग्रहण का महाअभियान पूरे जिले में चलाया जाएगा। एक मतदान केंद्र के ऊपर उसने 20-25 नाम भी आपके हटा दिए तो आधा चुनाव का मतदाता सूची में ही हार गए। और हमारे जो सामने वाले हैं उनका सर्वाधिक जोर इसी बात के ऊपर है। आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने इरादा किया कि ऐन कैन प्रकार हमको नगर निकायों के चुनाव जीतना है। और इसलिए पहली चीज उन्होंने हाथ में ली कि हम परिसीमन करेंगे, मतलब ऐसे जो वार्ड है कि जो हम जीत सकते हैं उनका विभाजन किया, इधर उधर के कुछ मतदाता उसमें डालने का काम किया ताकि वो बैलेंस हो जाए। बैठक में जिला महामंत्री गणपत डाबी, किशन सिंह भटोल, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, मदन साखला, सतीश मालवी, कृष्णा यादव, केपी झाला मंचासीन थे। बैठक का संचालन जिला महामंत्री अशोक कटारिया व आभार जिला महामंत्री यशोदा बेरागी ने माना। पार्टी का जितना विस्तार हो चुका है उसे देखते हुए सहयोग निधि एकत्र करने के लिए जो लक्ष्य रखा गया है वह बड़ा नहीं है। सभी से मिले, हर कार्यकर्ता से संपर्क करें, जनप्रतिनिधियों का सहयोग लें, टीम बनाकर योजनाबद्ध तरीके से काम करें, लक्ष्य आसानी से हासिल हो जाएगा। प्रयास करें समर्पण दिवस 11 फरवरी तक यह अभियान पूरा हो जाए। यह बात आजीवन सहयोग निधि के प्रदेश प्रभारी कृष्णा मुरारी मोघे ने बुधवार को लोक शक्ति भवन में आयोजित भाजपा जिला उज्जैन ग्रामीण की बैठक में कही।